द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिमेंड रिलेटिवली वीक इन महाराष्ट्र. ओके, देखेंगे, क्योंकि ये काफी डिटेल में एक एक्सप्लिसिट सेंटेंस है जो कि एक फैक्ट को बता रहा है कि वहां पे बहुत कम था. और हमको लगता है कि नॉन कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा था हर जगह, क्योंकि बेसिक जो हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं उनको लगता है. तो अभी उसमें हम कुछ यू नहीं करेंगे, हम सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे पहले. इट वॉज बिकॉज, अब ये स्टेटमेंट क्यों हुआ था, इट वॉज बिकॉज द एस्टेब्लिश्ड तिलकट पॉलिटिकल लीडरशिप वॉज अनएंथुजियास्टिक अबाउट गांधी. महाराष्ट्र में इसलिए वीक हुआ था क्योंकि जो क्योंकि तिलक वॉज वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट, राइट, महाराष्ट्र के एरिया में उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप था और उनका जो पूरा फॉलोअर था वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे गांधी के प्रति उस टाइम पे. ठीक है, महाराष्ट्र पे द नॉन ब्राह्मिन टिल 1930s फेल्ट विद सम रीजन दैट द कांग्रेस वॉज ए चित्पावन लेड अफेयर. महाराष्ट्र में जो ब्राह्मिन्स थे, नॉन ब्राह्मिन्स थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो INC है वो कहीं ना कहीं एक चित्पावन लेड अफेयर. ये डबल कोट में उन्होंने डाला है. क्यों? चित्पावन उस टाइम पे एक हिंदू महाराष्ट्रियन ब्राह्मीण कम्युनिटी है, हिंदू महाराष्ट्र ब्राह्मीण कम्युनिटी है. पेशवा भी सर वो ही थे ना, चित्पावन. यस, तो ये तीनों के तीनों सही है. इसी वजह से आपको यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आपको एक मिल जा रहा है एग्जाम के लिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महाराष्ट्र में इसलिए वीक था क्योंकि लोगों को, नॉन ब्राह्मिन्स को ऐसा लगा कि वो जो INC था वो कहीं ना कहीं हिंदू ब्राह्मिन डोमिनेटेड था, कहीं ना कहीं वहाँ पे चित्पावन लेड अफेयर था. और जो तिलक का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था वो काफ़ी अनएंथुजियास्टिक थे. नहीं मतलब INCM पे था, ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली वीक था, ऐसा नहीं कि पूरा वीक था, रिलेटिवली दूसरे जगह से ये थोड़ा वीक था. ओके, तो तीनों के तीनों सही है. नेक्स्ट 26.